तो हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे W3C के न्यू अपडेट का। तो न्यू अपडेट का यहाँ पे रिव्यू करेंगे, तो उसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यू अपडेट में क्या कुछ आया है। यहाँ पे न्यू अपडेट में ज़्यादा तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोगों को मात्र यहाँ पे WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग ऐड होके मिल चुकी है। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 टीमें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे कुछ सेमीफाइनल या फाइनल का डिसाइड नहीं है, अभी लीग मैचेस ही आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में गाइस यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे आप लोगों को अपोनेंट के भी मैच चाहें तो खेल सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को कोई भी रिवॉर्ड विवॉर्ड नहीं मिलेगा, एंट्री भी फ्री में है। बाकी अगर आप लोगों को जिस टीम को सेलेक्ट करते हैं उससे अगर मैच खेलेंगे तो आप लोगों को 200 कॉइन देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को अगर इसको अनलॉक करना है, तो मैंने तो पहले से अनलॉक करके रखा था गाइस, बट अगर आप लोगों को अनलॉक करना तो 149 प्लेटिनम कॉइन देने पड़ेंगे या फिर यहाँ पे इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे आप लोगों को। तो 79 इंडियन रुपीज़ आप लोग को देने पड़ेंगे इसको अनलॉक करने के लिए। बाकी गाइस यहाँ पे अगर बात करें तो गेम प्ले में ठीक ठाक है, गेम प्ले मैंने खेला हुआ है तो गेम प्ले ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बस ठीक ठाक है। मतलब जैसे नॉर्मल गेम प्ले होता है उसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ कैमरा एंगल चेंजेस हुए हैं, वो कैमरा एंगल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एंट्री का कुछ कैमरा एंगल चेंजेस हुए हैं तो अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं आया, कटसीन एनिमेशन भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मात्र यहाँ पे कैमरा एंगल ही चेंज है। बाकी यहाँ पे जो फेसेस की बात करें तो फेसेस भी ठीक ठाक हैं, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फेसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वही फेसेस में ऐड करे गए हैं। तो ऐसा कुछ कैमरा एंगल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ये कुछ न्यू कैमरा एंगल ऐड करे गए हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस अपडेट में कुछ ज़्यादा खास तो लगा नहीं है, बाकी एक वुमेन प्रीमियर लीग ही ऐड हुआ है। तो आगे यहाँ पे अपडेट भी आप लोगों को NPL 2023 भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस उसमें मैंने बताया है कि लीजेंड कब तक क्या आएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं सभी को बहुत जल्दी नई वीडियो। जय हिंद, गुड बाय।